हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 16 जून और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बारे में। तो आपके सामने मैं ला चुका हूं इसके रिजल्ट्स जो कंपनी ने आज ही डिक्लेयर किए हैं आफ्टर द मार्केट। तो हम स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे, सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ करोड़ होगी। इस साइड आपको मिलेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेज एंड दिस साइड आपको मिलेंगे ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेज। तो सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम हमारे को लगभग क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अगर दिसंबर एंड मार्च के बीच में बात की जाए लगभग 3000 करोड़ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में टोटल इनकम। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 9000 करोड़ के डिक्लाइन मिल रहे हैं हमारे को देखने में टोटल इनकम इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब इनकम तो डिक्लाइन हुई है पर अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमारे को लगभग 400 करोड़ ही कम एक्सपेंसेस हमारे को दिख रहे हैं, जहां इनकम लगभग 3000 करोड़ डाउन हुई थी। पर एक्सपेंसेस अगर इस रेशो में बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे मात्र एक्सपेंसेस हमारे यहां पे 3000 करोड़ के आसपास कम होते हुए दिख रहे हैं, पर इनकम लगभग 10000 करोड़ डिक्लाइन हुई थी। तो अगर ये रेशियो में देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और वहीं अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की बात, जहां कंपनी 447 करोड़ के फ़ायदे में थी दिसंबर 2019 में, वहीं इस बारी मात्र 26 करोड़ के फ़ायदे में है। तो काफ़ी ज़्यादा स्लम होता हुआ प्रॉफिट दिख रहा है, ऑलमोस्ट पूरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट नील होता हुआ ही दिख रहा है अगर देखें। और ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 6000 से 2600, तो मोर देन 50% यहाँ भी प्लंज होता हुआ हमारे को दिख रहा है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस। और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस तो ऑलमोस्ट पूरा ही प्रॉफिट गायब होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 90% प्लंज होता हुआ दिख रहा है। ये तो स्टैंड अलोन के थे। अब देख लेते हैं हम इनके कंसोलिडेट रिजल्ट्स। तो सारी वैल्यूज फिर से करोड़ में, यहाँ पे आपको क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस फिर से 3000 करोड़ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो लगभग यहाँ भी 9000 करोड़ हमारे को डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। अब कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसिस की बात। एक्सपेंसिस लगभग मात्र 600 करोड़ हमारे को डिक्लाइन दिखा है, जहाँ पे हमारे को टोटल इनकम लगभग 3000 करोड़ के आसपास घटती हुई नज़र आई थी। मींस एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो एक्सपेंसेस 3000 करोड़ के आसपास डिक्लाइन हुए हैं, जहां पे हमारे को प्रॉफिट्स लगभग 9000 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड में भी इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अब डायरेक्ट आ जाते हैं इनके नेट प्रॉफिट्स और लॉस फॉर द पीरियड्स की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो पीरियड्स में कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में कंसोलिडेट में लॉस में चले गई 1027 करोड़ के, जहां प्रॉफिट इनके दिसंबर में थे वहां 27 करोड़ का इनका नुकसान में कंपनी आ चुकी है, लॉस में आ चुकी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखे तो मोर देन 50% हमारे को यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देखने को प्रॉफिट। तो इस बार ऑयल के प्राइसेस में आपको पता है कितना ज़्यादा फर्क पड़ा, पर 15 दिन में ही लॉकडाउन की वजह से इतना फर्क पड़ा क्या कंपनियों को यहाँ पर, इसका मतलब तो ये है कि जो आगे के अप्रैल और मई ऑलमोस्ट हाफ मई मतलब कि ऑयल के प्राइसेस में हमेशा दिक्कत देखने को मिली है, तो इनके अगले रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं वैसे ही हमारे को देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। तो वहीं कंपनी की अगर बात करें टोटल बोरिंग के बाद में तो लगभग 10431 करोड़ की टोटल बोरिंग हो चुकी है कंपनी में। पर अगर हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग की बात करें फॉर द ईयर अभी भी ट्रिपल ए पे क्रिस्टल के द्वारा है, आईसीआर के द्वारा, इंडियन रिटेल कहीं ना कहीं अभी भी ट्रिपल ए पे इस स्टॉक पे मेंटेन है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। वहीं अगर शेयर होल्डिंग में हम बात करें तो प्रमोटर्स ने कोई चेंज नहीं की होल्डिंग में, एफआईज ह्यूज अमाउंट में अपना होल्डिंग कम नज़र करते हैं। म्यूचुअल फंड ने लगभग इंक्रीज़ किया, इंश्योरेंस कंपनी भी डिक्लाइन करते नज़र आए। इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे जैसे रिटेल निवेशक भी इसमें आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आए। और अदर डीआईज भी अगर आप एफआईज और अदर डीआईज को देखोगे तो दोनों ने पैसा निकालते हुए इस स्टॉक से नज़र आए हैं। वहीं अगर आज इसके रिजल्ट से पहले की बात करें तो शेयर अपसाइड बंद हुआ था, लगभग 1.72% अप क्लोजिंग हुई थी 210.35 पैसे पे, लगभग 3.55 पॉइंट्स अपसाइड रहा। वहीं रिजल्ट्स के पहले इसमें अच्छी डिलीवरीज देखने को मिली, लगभग 31.37% जहां शेयर्स डिलीवर हुए लगभग 27,49,921 शेयर। तो शेयर से पहले अच्छी खासी इसमें डिलीवरीज हमारे को देखने को मिली।
अब बात करेंगे कि ये डिलीवरी इस टाइम क्यों देखने को मिली, क्योंकि ऑयल में तो आपको पता ही है सब जगह रिलायंस जैसी दिक्कत जैसी कंपनी को इसके असर पड़ते हुए दिखे, तो यहाँ पे इस पे इतनी क्वार्टर फोर से रिजल्ट से पहले क्यों इतनी हमारे को डिलीवरीज देखने को मिली, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले अगर इसकी बात करें तो अभी 200 डेज के EMIs के नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 के भी नीचे अब ट्रेड करता नज़र आ रहा है, और क्रिटिकल सपोर्ट 20 एंड 50 डेज की EMA के अभी ये ऊपर बना हुआ है जो लगभग 201 रुपये है। अगर ये 201 टूटता है तो हमारे को फिर से ये जो इसकी 170 वाली रेंज है जहाँ से ये दो बारी अपने को ऊपर ले चुका है, मतलब कहीं ना कहीं शेयर का बॉटम यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर इसके बाद ये नीचे आता है तो ये इसकी बाइंग वैल्यू हमारे को फिर से देखने को मिल सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बाइंग, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये डिलीवरीज इसीलिए ली गई थी क्योंकि इसने अपना स्विंग पूरा नहीं किया था, और कहीं ना कहीं जहाँ से एक दो बार इसको रिजेक्शन मिला था एटलीस्ट ये 227 तक पहुँचना चाहिए था, इसी के चलते हुए इसमें ये डिलीवरीज देखने को मिली। अब आ चुके हैं रिजल्ट्स, तो ये थोड़ा डिक्लाइन मारेगा और लगभग ये जो 170 और 175 की लाइन है यहाँ पे इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि शेयर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है और यही मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये आगे भी फॉलो करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब इसका एक ही स्विंग कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट जो शेयर होते हैं तीन स्विंग पूरा करते हैं, और अभी इसका एक तीन मतलब कि अभी एक स्विंग ये पीछे वाला नहीं है, ये तो हमारे को गिरावट थी, यहाँ से इसका एक्चुअल स्विंग हुआ एक स्विंग, अभी दो स्विंग और उसके बाद ये फिर से ऊपर आएगा, तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सी और पी कॉल ले लो, आप कैश ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो, कैश ऑलवेज सेफ, क्योंकि बीच में हलचल भी रहती है और आप बीच में हलचल में आपका पी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। वहीं करेंगे आगे बात, तो नहीं यही थी इसकी वो बात जो मैं आपको डिलीवरीज की बताना चाह रहा था कि ये डिलीवरीज क्यों उठाई गई थी। डिलीवरीज में कहीं ना कहीं ये स्विंग पूरा करते हुए लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये 227 की रेंज में आएगा, मतलब 220 के ऊपर चल जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, तो स्विंग ट्रेडिंग इसमें होती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर वनडे में अभी बात करें तो बॉलिंजर बैंड में अब इसको अगला सपोर्ट अगर निचले स्तर पे कल पे देखें तो 195 के आसपास मिल सकता है, तो अगर ये 195 कल टूटा तो उससे ज़्यादा हमारे को इसमें कंटिन्यू वीकनेस डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और बॉलिंजर बैंड के अलावा अगर हम पाइवेट देखें तो ये भी 194 पे हमारे को सपोर्ट दिखा रहा है, तो मतलब 194 के पास इसमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तब तक आप इसमें एज ए सेल कॉल आप कल इसमें डेफिनेटली ले सकते हो। वहीं अगर वनडे में अभी इसका RSI देखें तो RSI लगभग 58 के आसपास है, जो स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और MACD में देखें तो MACD में भी कुछ ज़्यादा वीकनेस अभी तक इस स्टॉक ने शो नहीं किया, पर अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स देखें तो कल इसमें डेफिनेटली गिरावट हमारे को देखने को मिल सकती है। आप इसमें मौका बिल्कुल ना छोड़िए, इसको कैप्चर कीजिए, कल इसमें आप सेल ऑर्डर लगाइए, पर मार्केट को देख के लगाइए, बिल्कुल ऐसे नहीं ले लेना जब नीचे चला गया, तो आपको मिडल रेंज कुछ देखनी पड़ेगी। तो मिडल रेंज की अगर हम बात करें तो लगभग अगर आपको ये शेयर 205 के आसपास मिलता है ओपनिंग ट्रेड के बाद, तो आप इसमें सेल कॉल, इससे ऊपर अगर आपको मिलता है इसमें आप सेल कॉल लीजिए, आपके टारगेट्स लगभग 10 पॉइंट के लिए रहेंगे जो 194 तक हो गए, 194-195 तक हो गए फॉर द सेफ ट्रेडर, वो लगभग इसमें प्रॉफिट बुकिंग 200 के लेवल के पास कर सकते हैं, मतलब कि 199-198 के आसपास इसमें अगर आप सेल कॉल लेते हो तो कहीं ना कहीं आप इन लेवल पे अच्छे प्रॉफिट इसमें बुक करना चाहते हैं सेफ ट्रेडर। और अगर आप पैसा भी कर सकते हो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया उसके बाद, और 194 के टारगेट्स के लिए वेट किया, 194 के पास एक बार ये थोड़ा रिबाउंड ले सकता है, अगर ये लेवल टूटा और इसने ये सस्टेन किया तो फर्दर ज़्यादा वीकनेस हमारे को इसमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक ज़रूर कीजिए यार वीडियो को, आप लाइक नहीं करते हो, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।